तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड डेस्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास है ओप्पो का एक हैंडसेट, और इस हैंडसेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न वाला इश्यूज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न का इशू है। अगर आपके भी स्मार्टफोन में पैटर्न का इशू हो गया है और आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं, वो भी विदाउट डेटा लॉस, हमें यहाँ पे डेटा लॉस नहीं करना है। अगर ऐसा सिचुएशन में आपका स्मार्टफोन फंस गया है तो किस तरीके से आप जो है अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होता है तो उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, हम आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम आपको ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, वो कौन कौन से ट्रिक आपको यूज करना है जिसके द्वारा आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आप जो है यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में इस तरीके से चल जाइए। देखिए, आप यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में इस तरीके से जैसे ही आप जाएंगे तो इमरजेंसी कॉल में आपको कुछ नंबर डायल करने हैं जो कि स्टार हैज 8998653 68 और हैज, इस तरीके से ये नंबर आपको डायल करके इस तरीके से कॉल कर देना है। 1 2 एंड 3, तीन बार ये नंबर आपको इस तरीके से डायल कर देना है और आपको डायल करके छोड़ देना है। सेकंड में आपको चल जाना है स्टार हैज 8999 और हैज, ये ऑप्शन पे आपको जो है अपना स्मार्टफोन को रेडी रखना है। इसी ऑप्शन में आप जब भी ये ऑप्शन में आ जाएंगे तो इसके बाद जो भी यहाँ पे मेन काम होगा सारा का सारा इसी ऑप्शन में आपको काम करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि सॉफ्टवेयर वर्जन है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे करना है ये कि इस तरीके से आपको OTA वर्जन आपको मिलेगा। OTA वर्जन पे आपको कंटिन्यू इस तरीके से टैप करना है, और टैप करते करते आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से 8 से 10 बार आप टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद आप पावर बटन को दबाकर अपने स्मार्टफोन को एकदम कंप्लीटली पावर ऑफ कर लीजिए यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए, हमारा स्मार्टफोन जो है कंप्लीटली पावर ऑफ हो चुका है, और ये देखिए फाइनली हमारा ऑफ हो गया है। अब आपको क्या करना है कि एक उंगली से वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है और एक उंगली से पावर बटन, ठीक है। पावर बटन ऑन करने वाले बटन को पावर बटन कहते हैं, और जिससे आवाज़ कम होता है उसको वॉल्यूम डाउन कहते हैं। तो दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है, और जैसे ही ओप्पो का लोगो आ जाए तो पावर बटन से आपको उंगली हटा लेना है, लेकिन वॉल्यूम डाउन वाले बटन से आपको उंगली नहीं हटाना है, ठीक है। इतना आप जो है याद रखिएगा, यही आपको करना है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। आपको यहाँ पे 3 लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, तो आपको जो लैंग्वेज आती हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इंग्लिश आती है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि आपके स्मार्टफोन का वर्जन क्या है। हमारे स्मार्टफोन का जो वर्जन है वो है 1.2। तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपके स्मार्टफोन का वर्जन 1.1 या 1.2 है तो ही काम करेगा, उसके नीचे है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज वाला ऑप्शन है और ऑनलाइन अपडेट है। ऑनलाइन अपडेट के थ्रू भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिसके पास नेट है उसके लिए, जिसके पास नेट नहीं वो क्या करेंगे। तो इसलिए इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे हमें चल जाना है, और टू फ़ोन स्टोरेज यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर में ही है। और आपका जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड बेस्ड है, और आपका सीरियल नंबर कहाँ छुपा होता है, एंड्रॉयड में। तो हमें एंड्रॉयड में चले जाना है, और यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। ध्यान से देखिए, हमें जहाँ पे डेटा मिलेगा वहीं पे जाना है, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आता है यूज़र सेंटर का। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूज़र सेंटर, ये वही ऑप्शन है जहाँ पे आपके सारे
सिक्योरिटी कीज़ के फाइल्स मौजूद होते हैं, तो फाइल्स यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे और एक बार और इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये जो अब यहाँ पे प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस एकदम 10 से 15 सेकंड का आपको यहाँ पे वेट करना है। और वेट होने के बाद आप जब देखेंगे तो आपका स्मार्टफोन कम्प्लीटली अनलॉक हो जाएगा। और जितने भी तरीके के आपने फ़ोन में पासवर्ड, पैटर्न, पिन ये सब आपने अगर लगा के रखा है वो कम्प्लीटली आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम गए थे हमें सेम उसी तरीके से बैक करके वापस भी आना है। ये देखिए, ये हम वापस इसी तरीके से और ये मेन पेज पे हम आ गए। मेन पेज पे हमें रिबूट का ऑप्शन मिलेगा और हम अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे ओके कर देंगे और हमारा स्मार्टफोन जो है रीस्टार्ट हो रहा है। तो इस रीस्टार्ट में आपके फ़ोन में जितने भी तरीके के पासवर्ड, पैटर्न, पिन ये सब अगर आपका लगा रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, यूज किया हुआ है और 100% जेन्युइन ट्रिक है, तो इसको आप यूज करें, ये बिल्कुल काम देने वाला ट्रिक है और बेशक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इस तरीके से स्लाइड करके, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन हमें हारा ही है, कोई भी हमसे पासवर्ड, पैटर्न, पिन नहीं मांगा जा रहा है ना। ये देखिए, मैं आप कहेंगे तो मैं फिर से अपने स्मार्टफोन को एक बार रीस्टार्ट की जगह अब पावर ऑफ करके दिखाता हूँ। पहले हम लोगों ने इसको रीस्टार्ट कर दिया था लेकिन अब फिर से फाइनली हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं और पावर ऑफ के थ्रू आपको यहाँ पे अब दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा फ़ोन जो है अब कम्प्लीटली बंद हो गया। अब फिर से हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए हमारे ये फ़ोन यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन है। और जो लोग ये कमेंट करते हैं कि सर ये फ़ोन तो आपने इस कैमरे से खोल लिया, अरे भैया फ़ोन ऑन होने में कैमरे का क्या यूज है, आपका फिंगरप्रिंट से भी नहीं खुलेगा अगर आप रीस्टार्ट ऑन ऑफ कर ले, बिना पासवर्ड पैटर्न का आपका नहीं खुलेगा। तो इस ट्रिक में हमने यही बताया है कि आपका फ़ोन जो है ये देखिए ऑन हुआ और स्लाइड किया और कम्प्लीटली अनलॉक हो गया है। फिर से मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ सेटिंग में जाके, अगर आपको बिलीव ना हो तो हम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाते हैं और आप देख सकते हैं कि ऐड फिंगरप्रिंट और ऐड फेस, सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे सेट करना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अगर आप जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन पर अगर क्लिक किया तो यहाँ क्या कर रहा है कि सेट ए लॉक स्क्रीन पासवर्ड इन केस फिंगरप्रिंट अनलॉक कैन नॉट बी यूज। तो यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है कि अगर आप जब तक फिंगरप्रिंट ऐड नहीं करेंगे आप कोई दूसरा पासवर्ड, पैटर्न, पिन नहीं लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने इस चीज़ को किया, अप्लाई कीजिए जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।